ये डेफने क्यों फोन कर रही है ना? डेफने क्यों कॉल कर रही है? मैं पूछ रहा हूँ डेफने तुम्हें कॉल क्यों कर रही है? छोड़ो इसको। शुक्र अल्लाह का कि आपने मेरा फोन उठा लिया। सुने यशिम आपकी तरफ आ रही है, उसे बिल्कुल पता नहीं चले कि आप उसकी अम्मी हैं। अगर वो नहीं पहुंची है तो भाग जाए आप वहां से फौरन, जितना जल्दी हो सके। कुछ बोले ना प्लीज। अम्मी अरे मेरी बात का जवाब तो दे। हम रूम नंबर 701 में है डेफने, फौरन आओ। जी अच्छा, ये क्या हुआ? यशिम डेफने, सच सच बताओ ये सब चल क्या रहा है? हाँ हाँ भाई, आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले यशिम को होश मिलाए। डेफने, मुझे जानना है यहाँ चल क्या रहा है। यालेन, डेफने, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं जानता हूँ कि तुम अंदर हो। मामला बहुत बिगड़ गया है। यशिम, मेरी जान होश में आओ। यशिम, यशिम होश में आओ। यशिम, डेफने, ये दरवाजा तोड़ देगा। यशिम, 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 जल्दी उठो, तुम्हारा भाई आ गया। डेफने, ये क्या शोर मचाया है तुमने? अपने काम से काम रखो। क्या मतलब है तुम्हारा? हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। अंदर जा रहे हो? मैं बताऊं डिस्टर्ब कैसे होते हैं? डेफने, क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम यहाँ क्यों आए हो यालेन? डेफने, मैंने तुम्हें घर छोड़ा था, तुम यहाँ क्यों हो? जवाब दो अभी। बता दी हूँ, असल में हुआ ये, तुमने जब मुझे घर पर छोड़ा तो उसके बाद सिनान भाई की कॉल आ गई। इन्होंने यशिम के साथ यहाँ होटल देखने के लिए आना था, लेकिन असल में हुआ ये कि तुम्हें तो पता है कि जब शादी होने वाली होती है तो किस कदर काम बढ़ से जाते हैं, और इसीलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे भी बुला लें ताकि मैं इनकी मदद कर सकूं। और फिर यशिम के डिजाइनर की कॉल आ गई कि उसे शादी की ड्रेस का नाप दोबारा चाहिए। भाई ने उससे कहा कि देखो तुम खुद ही चली जाओ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो हमारा दोबारा झगड़ा हो जाएगा और मैं दोबारा पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता हूँ। इसीलिए यशिम डिजाइनर के पास चली गई और मैं भाई के साथ यहाँ पर होटल रूम्स देखने के लिए आ गई। अब अपने भाई की शादी पर इतना तो फर्ज बनता है ना मेरा। Thank you.
मेरी आदत का तो पता ही है तुम्हें कि मुझसे जितना हो सके मैं दूसरों की मदद करती हूँ। और फिर यहाँ तो मेरे सगे भाई की शादी है, अब अगर मैं नहीं आती तो फिर कौन आता बताओ मुझे? और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो सिनान भाई बैठे हैं यहाँ, क्यों ना तुम उन्हीं से पूछ लो। बस यही बात थी। हाँ बिल्कुल। तो चलो फिर, तुम्हारा काम खत्म हो गया, घर चलते हैं। शुक्र है गया, वरना मैं तो फंस गई थी। आ जाएं चले। उसको अपनी माँ से तुमने मिलने भी नहीं दिया, ये सब चल क्या रहा है मुझे बताओगी तुम? भाई बात सुन, मैं आपको हर चीज बाद में बता दूंगी, ठीक है? आ जाए। कितनी संदिल हो गई हो। भाई किसका इंतजार कर रहे हैं, अब आ जाए। कसम से मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी डेफने, तुमसे बिल्कुल नहीं थी। आप सच में मेरी अम्मी हैं? शायद वो लोग चले गए, चलो फिर बाहर चलते हैं। आप दोबारा मुझे छोड़कर जा रही थी क्या, इसलिए नहीं बताया कि आप मेरी माँ हैं? मैं असल में तुम्हें मैं दुखी करना हरगिज भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं पहले भी छोड़ चुकी हूं। छोड़कर जाना पड़ा। तो बताइए फिर मुझे क्या वजह बनी थी छोड़ के जाने की? यशिम अम्मी, अम्मी आपको अजीब नहीं लगा क्या? अम्मी सच में मैं आपको माफ करना चाहती हूँ यार, मगर इसके लिए आपको मुझे कोई बहुत ही सॉलिड वजह बतानी होगी। सॉलिड वजह का क्या मतलब? पता नहीं, शायद जिसे सुनकर बोलो। हाँ अच्छा यार, आपका जाना बहुत जरूरी था, जरूरी था बहुत। कुछ था जिसकी वजह से मुझे जाना जरूरी था। हाँ? क्या आपकी वजह भाई के लिए काबिले कबूल होगी, ये बताइए आप मुझे जरा। मतलब कि चाहे वो सच ना भी हो, मगर कम से कम अकल में तो आ जाए ना उनके। मेरा मतलब है कि चाहे तो मुझे बता दें कि सच क्या था, लेकिन बताएं तो सही आप मुझे, मैं उन्हें समझा दूंगी। क्या वो मुझसे बहुत नाराज है? बहुत। ओके।